हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में हमें देखना है गृह प्रबंधन के चरण प्रोसेस को देखना है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रोसेस को आज हमें देखना है। और कल की क्लास आपकी हुई थी गृह प्रबंधन क्या है उसके बारे में, कुछ डिफिनेशन हमने देखा था, कुछ कोटेशन को देखे थे और क्या है इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। तो कल की भी क्लास आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और आज की जो क्लास है इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे आज ही। तो मैनेजमेंट, इधर आपका मैनेजमेंट कंप्लीट हो रहा है और मॉर्निंग टाइम में आपका कंप्लीट हो रहा है न्यूट्रिशन साइंस। तो जल्दी से दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सीडी का। और क्या स्टार्ट करना है हमें, सीडी के साथ साथ हम टेक्सटाइल को स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी पढ़ाया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर एक बार बता दीजिएगा आप लोग। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7 8 9 10 9 8 8 5 1 पे कॉल या मैसेज करें, उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगर जिसको भी फुल क्लास लेना है विथ PDF तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और जितनी जल्द से जल्द आप को क्लास ज्वाइन कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट हमें देखना है गृह प्रबंधन के चरण को देखना है। गृह प्रबंधन के चरण मेन तो तीन ही है बट हमें चार को देखना है। मेन अगर आपसे पूछा जाए तो तीन ही है बट इसमें एक और ऐड हो गया है जिसे आप संगठन कहते हैं। बट अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो तीन ही बताना है, लेकिन इसको भी आप लोग जान लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चार बता देना कि कौन कौन से हैं। पहला तो है आयोजन, और इसको सिक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछा जाता है, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन को क्या कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। नियंत्रण को कंट्रोलिंग कहते हैं और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने PDF में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है बट यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ उसका। आपको बताना है जब भी आपसे प्रबंधन के चरण, मैनेजमेंट के चरण को पूछा जाए तो आपको बताना है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अगर मुख्य चरण पूछा जाए तो आपको तीन ही पॉइंट लर्न करना है, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बट एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड हो गया है, वो क्या है, संगठन। तो संगठन को कहीं अगर चारों का चारों दिया रहे तो आपको चारों के चारों पे टिक लगाना। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, तीन ही पॉइंट है इसमें। बट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वहां पे संगठन को भी ऐड किया गया था, इसलिए हम संगठन को भी ऐड करके यहां पे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पहला जो है पहला पॉइंट जो है आयोजन, आयोजन प्लान जिसे कहते हैं, ये होता क्या है। तो आपको बताना है जो प्लान है ये किसी मैनेजर के मस्तिष्क में आया हुआ आइडिया, आया हुआ विचार है, ये एक रूपरेखा है, आउटकम है, टू कॉपी है किसी भी चीज की। तो आपको क्या बताना है, ये क्या है, आपको बताना है जो प्लानिंग है ये क्या है, रूपरेखा है, आउटलाइन है किसी भी मैनेजर के मस्तिष्क में जो चलता है कि उसे क्या बनाना है, जो प्लान बनाना है, प्लान जो वो बना रहा है वही क्या है, एक रूपरेखा है या फिर एक आउटलाइन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको बताना है जो प्लानिंग है, आयोजन है किसी भी मैनेजर के मस्तिष्क में उपजा हुआ, मस्तिष्क की रूपरेखा या फिर इसे हम क्या कहते हैं, आउटलाइन भी कहते हैं। जैसे आपने कोई भी प्लान बनाया, आपने प्लान बना लिया कि मुझे एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है और उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है, तो वो मेहनत करने का जो आपने दिन में कितना टाइम देना है आपको स्टडी पे, उसका जो प्लान बनाया है वही क्या है, आउटकम है या फिर रूपरेखा है। रूपरेखा आपने बनाया, अब उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य को करेंगे और कार्य को करते करते एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और
तो यही क्या होता है आपको बताना है, प्लानिंग होता है। किसी भी मैनेजर के मस्तिष्क की रूपरेखा है या फिर आउटलाइन है, आउटकम है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आउटलाइन भी पूछा गया, रूपरेखा भी पूछा गया है। किसी मैनेजर के मस्तिष्क की रूपरेखा कहलाती है आयोजन, आउटलाइन कहलाती है आयोजन, जिसे आप प्लानिंग कहते हैं। अगला पॉइंट अब हम देखेंगे, नियंत्रण क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। उसके बाद एक एक पॉइंट को देखते देखते चलेंगे और इसमें सिक्वेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्वेंस में लगाने के लिए उसको भी पूछे जाते हैं उसको भी हमें देखना है। आपको बताना है कि जो आयोजन होता है, प्लान होता है, इसमें कार्य कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। तो आपको बताना है जो भी आयोजन होता है, प्लान होता है, इसमें हम बताते हैं कि कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है, कहाँ पर करना है। ये सारे जो वर्ड आते हैं वो किस में आएंगे, प्लान में आएंगे। कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है, ये सारे जो वर्ड आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, तो आपको बताना है आयोजन में, प्लानिंग में आ रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्लानिंग से क्वेश्चन बना हुआ है, तो प्लानिंग अगर आपसे पूछा जाए, आयोजन क्या है, तो आपको बताना है किसी भी मैनेजर के मस्तिष्क की रूपरेखा है, आउटलाइन है, या फिर इसे क्या कहते हैं, किसी भी जो मैनेजर है जो अपना कार्य करने का शेड्यूल बनाया है वो क्या होता है, रूपरेखा या आउटलाइन है। और इसमें होता क्या है आयोजन में, तो आपको बताना है क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं, आयोजन में आती हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आयोजन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मार्गदर्शिका, तो आपको बताना है आयोजन को मार्गदर्शिका के रूप में भी कहा गया है, मार्गदर्शिका करके भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीन पॉइंट यहाँ पे लर्न करना है आयोजन से आपको, एक तो मार्गदर्शिका है, दूसरा रूपरेखा है, तीसरा क्या है, आउटलाइन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बुद्धि कैसे यूज की जाती है, क्या क्या यूज किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, मानसिक शक्ति यूज होती है इसको बनाने में, मानसिक शक्ति के साथ साथ आपको बताना है निर्णय शक्ति, निर्णय की शक्ति के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करते हैं आप आयोजन या फिर प्लान बनाने में। उसके साथ साथ रचनात्मकता का भी प्रयोग होता है, जिसे आप स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी चीज़ की जब आप रचना करते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जब आप प्लान बना रहे हैं, किसी चीज़ का प्लान बना रहे हैं, तो आप रचना कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो है मस्तिष्क कार्य करता है, आपका मस्तिष्क कार्य करता है, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सारी चीजें कार्य करती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहाँ पे रचनात्मकता का कार्य किया जाता है, मतलब किसी भी चीज का रचना, निर्माण करना ही रचना करना कहलाता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, आयोजन आपका क्लियर हो गया होगा, आयोजन क्या है, कब, कहाँ, किसके द्वारा, कैसे कार्य करना है, ये सब होता है। और आपको बताना है किसी भी मैनेजर, किसी भी हाउसवाइफ, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर के क्या है, ये रूपरेखा है, आउटलाइन होता है, इसे मार्गदर्शिका भी कहते हैं। इसमें बुद्धि कौन सी यूज होती है, तो आपको बताना है इसमें मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें निर्णय शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें रचनात्मकता की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। सारी चीज़ें क्लियर। अब हम देखेंगे आयोजन का जो चरण है, ग्रास एवं किंडल ने आयोजन के चरण के बारे में बात किया हुआ है, और आयोजन का जो चरण है यहाँ से कई बार सिक्वेंस में लगाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, TGT में भी पूछा गया है, UGC नेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आ जाते हैं अब इसका पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखना है हमें आयोजन के चरण के बारे में, आयोजन के चरण के बारे में देखना है, और इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, और किसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रास एवं किंडल, मैनेजमेंट में जो ज़्यादा नाम आपको देखने को मिलेगा, ग्रास एवं किंडल, निकेल एंड डार्सी, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका। तो यहाँ पे जो ग्रास एवं किंडल ने दिया है, गृह प्रबंधन के चरण स्टेप्स बताए हैं कुछ, और इस स्टेप को कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और मैं विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगी तो समझ में आएगा।
ओके, जो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को ढूंढना। तीसरा पॉइंट विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना। अधिकतम उपयुक्त हल का चयन करना, उपयुक्त विकल्प का चयन करना। और जो लास्ट का पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है, उत्तरदायित्व, स्वीकारना या फिर परिणाम स्वीकारना। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा और इस पॉइंट से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए। सीक्वेंस में लगाने वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीक्वेंस में, और सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है अगर आपको पता हो तो, बहुत ही आसान होता है, बहुत कम टाइम में ये आपका सॉल्व भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं इसको एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट करके देते हैं। और जब आप क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट करके देते हो तो एक मिनट का क्वेश्चन आपका एक सेकंड में सॉल्व हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आयोजन के चरण, आयोजन के चरण मैनेजमेंट का जो है स्टेप आपसे पूछा जाएगा यहां पे। तो आपको क्या बताना है, पहला जो स्टेप है समस्या को परिभाषित करना। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू पूरा का पूरा पॉइंट आपका यहां पे क्लियर करवा दूंगी। तो आपको बताना है जो पहला पॉइंट है वो है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है विकल्पों को ढूंढना, तीसरा पॉइंट है विकल्प पर उपयोगिता अनुसार विचार करना। उपयोगिता अनुसार विचार करने का क्या मतलब है, जो उपयुक्त विकल्प हैं उसका चुनाव करना, आपके अकॉर्डिंग जैसे आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प आपके लिए परफेक्ट है उसका चुनाव करना। अगला जो पॉइंट है उपयुक्त विकल्प का चयन करना, बहुत ही अच्छे जो विकल्प हैं उनका चयन करना। और उत्तरदायित्व स्वीकारना, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपना डिसीजन ले लिया है उसका जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना है, बुरा होगा तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये होता है उत्तरदायित्व स्वीकारना या फिर परिणाम को स्वीकारना। रिजल्ट चाहे जैसा है, अगर हमने डिसीजन लिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार लिया गया डिसीजन आपके फेवर में ही हो, कभी कभी आपके अपोजिट में भी हो सकता है। जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छे से सोच समझकर लिया गया डिसीजन भी कभी कभी अपोजिट हो जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट अच्छा आए तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, रिजल्ट आपके अपोजिट आए तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। बट हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या गलती की है जो रिजल्ट अपोजिट आया है, इस चीज के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। जो पहला पॉइंट है समस्या को परिभाषित करना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूं, सारा का सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपका कोई बेबी है, उसे आपको एडमिशन करवाना है। अब आप उस अपने अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, आप उसे घर के पास वाले स्कूल में भेजना चाहते हैं या फिर दूर वाले स्कूल में भेजना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बजट के हिसाब से कि आपके पास बजट कितना है। आप उसे बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल में भेजना चाहते हैं या फिर नॉर्मल से स्कूल में भेजना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके बजट पे। तो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है बजट, बजट के अकॉर्डिंग आप अपने सारा कार्य करते हैं। तो आप पहले अपना बजट एक साइड रखेंगे, फिर बच्चों जो आपका बच्चा है उसके लिए आप स्कूल का चयन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को एक ही एग्जाम्पल में सारी की सारी चीज़ें, जो इसमें पाँच पॉइंट दिया गया है पाँचों के पाँचों पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास पहला यहाँ पे दिया गया है समस्या को परिभाषित करना, आपके पास जो समस्या है वो क्या है, आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है, ये आपकी समस्या है। तो समस्या पे आपने रख दिया बच्चे का एडमिशन करवाना। दूसरा यहाँ पे दिया गया है विकल्पों को ढूंढना। अब आप विकल्प को कैसे ढूंढेंगे, तो आप तीन से चार स्कूल का नेम लिख लेंगे, वहां पे जाएंगे, वहां की फीस वगैरह के बारे में आप पूछताछ करेंगे, उसको नोट करेंगे आप,
आप ये देखेंगे कि वहाँ पे भेजने में खर्च कितना लग रहा है। जो तीन चार डाटा आपने निकाला है उस डाटा को उस हर एक स्कूल की जो पूरी की पूरी फैसिलिटी है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितना वहाँ पे बजट बैठ रहा है आप अपने बजट के हिसाब से लगाएंगे कि क्या मैं वहाँ पे भेज सकता हूँ, सकती हूँ या नहीं, या मेरे बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो मतलब यहाँ पर आपको स्कूल भेजना जो है ये आपकी समस्या हो गई। उसके बाद आपने अपने जो आस पड़ोस के स्कूल हैं उसको देखा, एक दो तीन चार पांच को आपने सिलेक्ट कर लिया, पांच को आपने देख लिया। अब पांचों में कितना बजट बैठ रहा है, पास है, नज़दीक है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कुछ भी हो वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज करना है। इसको सारी चीज़ों को आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट है विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना। उपयोगिता अनुसार आपके अकॉर्डिंग कौन सा बैठेगा फिट, आप उसको देखेंगे। अब आप मान लो फर्स्ट नंबर का ये आपके बजट के अकॉर्डिंग है और ये इसकी जो फैसिलिटी है आपके बच्चे के अकॉर्डिंग है, जैसा आप चाहते हैं वैसा है सब कुछ। दूसरे में भी, तीसरे नंबर में भी ऐसा है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट आप बोल रहे हो चलो ठीक है हो जाएगा। और तीसरे जो चौथे नंबर का है ये भी आपके अकॉर्डिंग है, बट अब ये तीन जो विकल्प है इसको आपने अपनी उपयोगिता के अनुसार चूज कर लिया कि हाँ इसका जो इसकी जो फीस है, आने जाने का जो खर्चा है, स्कूल का जो मतलब सारे जो खर्चे मिला के हो रहे हैं टोटल, आप मैनेज कर लोगे उसको। इन तीनों पॉइंट में ऐसा आ रहा है, बस किसी में एकदम परफेक्ट आ रहा है, किसी में कुछ ज़्यादा आ रहा है, किसी में कुछ कम आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं है, बट एकदम से परफेक्ट नहीं है बट है, तो आप इसको उपयोगिता वाले विकल्प में रख सकते हैं। आपने तीन पॉइंट को चूज कर लिया, अब ये उपयोगिता वाले जो हैं इसको तीन पॉइंट आपने चूज कर लिया कि ये तीन पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग हैं, या फिर ये तीन स्कूल मेरे अकॉर्डिंग हैं, मेरे बजट के अकॉर्डिंग हैं। तो आप पहुँच गए तीसरे वाले पॉइंट, आपका तीसरा वाला पॉइंट भी कम्प्लीट हो गया। अब बात आती है चौथे वाले पॉइंट की, उपयुक्त विकल्प का चयन करना। आपने अपनी उपयोगिता के अकॉर्डिंग तीन का चयन कर लिया था, बट अब आप क्या करेंगे, उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे जो सबसे परफेक्ट होगा आपके लिए, जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे परफेक्ट होगा, अब आपको उसको चूज करना है। तो आपने चूज कर लिया तीसरे नंबर को, आपने कहा कि हाँ ये इंग्लिश मीडियम भी है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसकी पढ़ाई भी अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बच्चों को की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो आपको लगा कि ये जो थर्ड नंबर वाला है ये एकदम परफेक्ट है आपके बच्चे के लिए, आपके बजट के अकॉर्डिंग, दूरी के अकॉर्डिंग, हर एक तरह से आपने देखा, तो आपको ये वाला परफेक्ट लगा, सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा। अब आपने इसको चूज कर लिया और इसमें अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया। चूज करके आपने तीसरे नंबर का विकल्प जो है, तीसरे नंबर का जो स्कूल है उसमें एडमिशन आपने करवा दिया। अब क्या है, अब जो पांचवें नंबर का पॉइंट है, उत्तरदायित्व स्वीकारना या परिणाम को स्वीकारना। अब क्या होगा, अब आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ने जाने लगा, अब आप ये सोचो कि आपका बच्चा बहुत आगे जा रहा है तो भी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, सब लोग यही चाहते हैं, सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं उनका बच्चा बहुत आगे से आगे जाए, बट आप ये नहीं जान रहे हैं कि बच्चा इसमें पढ़ के आगे बढ़ेगा या अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये तो आपने देख लिया, बट रियल में क्या बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है इसको तो आपने नहीं देखा। क्या आप वहाँ पर जाके पढ़ के थोड़े ना देखे थे, आपने बस आसपास पड़ोस में पता लगाया था। तो अब आपको इसके लिए तैयार होना है कि रिजल्ट अच्छा आए तो भी आप उसके लिए तैयार रहेंगे, और रिजल्ट आपका बुरा आए तो भी आप उसके लिए तैयार रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपका बच्चा इस स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी सीख रहा है तो भी आप उसके लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है। तो ये पाँच पॉइंट और एक ही एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा, ये पांचों पॉइंट एक एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, समझ आ गया ना सबको।